हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। एंड आज हम जैसे कि अपना जो लेक्चर था, जो ऑलरेडी हमने जैसे कि लिस्ट में लगा रख के रखा था, तो उस लेक्चर को हम आज कंटिन्यू करेंगे। जो 100 एमसीक्यू है, एमसीक्यू सीरीज जो अपना रहता है न्यूमेरिकल और लॉजिकल रीजनिंग का जो है अपना, इसमें हम आज जैसे कि सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस। और टोटल 100 क्वेश्चंस तो नहीं हो पाएंगे, मगर मैक्सिमम क्वेश्चंस सॉल्व करने का ट्राई करेंगे आज हम इधर। और चलो तो आइए, जैसे कि सब्सक्राइब, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी एंड विजिट आवर एजुकेशनल वेबसाइट विद द नेम ऑफ ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी .in। एंड उधर जाके आप मॉक टेस्ट को रजिस्टर कर सकते हैं, दूसरे बहुत सारे ऐसे कोर्सेस है जिसको आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलो हम डायरेक्टली जाएंगे अपने क्वेश्चंस के ऊपर। और उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मॉक टेस्ट है, 5-6 मॉक टेस्ट है। आप जाके मॉक टेस्ट जैसे कि सॉल्व कर सकते हैं, उसका इफेक्ट आपको एग्जाम्स में मिल जाएगा और वो बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगी आपके लिए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के, अपना डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर चले जाएंगे हम। चलो तो लॉजिकल रीजनिंग में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसमें न्यूमेरिकल आता है और नॉर्मल भी रहता है। तो बहुत सारे टाइप से लॉजिकल एंड न्यूमेरिकल रहता है, तो उसमें से हम क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि अपने पास कुछ ट्रिक्स होनी चाहिए। वो ट्रिक्स जैसे कि ए बी सी जो अपने अल्फाबेट्स होते हैं, तो अल्फाबेट्स को हम लिख लेना चाहिए नोटबुक के ऊपर। पहले जब हम क्वेश्चन पेपर हाथ में लेते हैं तो अल्फाबेट्स को लिख लेना चाहिए। जैसे कि अल्फाबेट को लिख के ले लिए तो हमको ये बहुत ही ईजी हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना, और क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना वो बहुत ही इजी से समझ जाता है। तो चलो मैं सबसे पहले सबको गुड इवनिंग कहना चाहता हूँ। और आपको एक जैसे कि क्वेश्चन, सब क्वेश्चंस के आपको इधर आंसर देना है, और बहुत ही जल्दी जल्दी आंसर इसके देना है आपको। और किस तरीके से आया वो भी आपको लिख सके तो आपको लिखना है उधर, और किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपने जैसे कि ढूंढा है। तो चलो क्वेश्चन जो है, द नेक्स्ट टर्म M, the series, okay, B to E, okay, D 5H, F 12K, H 27N, और question mark. तो इसका जो next रहेगा वो क्या है, तो किस तरीके से solve करना है। B to E, B और E के बीच में जैसे कि देखना है हमें किस तरीके का डिफरेंस आता है, तो उसके लिए एबीसीडी लिख के रखना है। एबीसीडी जब हम लिख के रखते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरीके से इसका क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो इसके क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं लोग कुछ, जैसे कि डी आया है, एफ आया है, मगर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो हमें देखना है, और किस तरीके से इसका आंसर हमको निकालना है। तो देखो बी और ई में 2 का फर्क होता है, और डी और एच में, डी और एच ये तो 5, एफ के 12, सॉरी एफ के 12, एच 20, जैसे कि 20, सॉरी इसका जो आंसर है वो डी करेक्ट है। और आपको देखना है कि एबीसीडी जब हम लिख लेते हैं तो हमको इसका आंसर प्रॉपर से पता चल जाएगा। ओके, तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चले जाएंगे। डी आंसर दे रहे हैं कुछ लोग, जैसे कि हाँ, मैक्स पीपल हैज गिविंग डी आंसर्स। So we'll move to the next question for kind of our this series. So देखना है इसमें direction related as well as numericals as well as जैसे कि numerical series जो रहती है उनके related भी आज हम problem देखेंगे। तो चलो ये जो question है, अनिल after traveling 6 kilometers towards, सबके पास एक notebook होनी बहुत ही जरूरी बात होती है। जब हम question solve करते हैं तो हमको पता चलना चाहिए कि किस तरीके से, मतलब जब हम लिखते हैं notebook के ऊपर तो उसका effect बहुत ही इजीली मतलब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो चलो देखेंगे, क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो भी देखेंगे। तो अनिल आफ्टर ट्रेवलिंग 6 kilometers टुवर्ड्स वेस्ट, ओके, फ्रॉम हिज हाउस रियलाइज्ड दैट ही हैज ट्रेवल्ड रॉन्ग डायरेक्शन, ओके, तो देन ही टर्न बैक एंड ट्रेवल 12 kilometers टुवर्ड्स वेस्ट एंड देन टर्न राइट and Anil traveled 8 kilometers to reach his office. The straight distance of the office from his house is. तो इसका आंसर हमें किस तरीके से, पहले तो हमें जैसे कि इसका डायग्राम ड्रॉ करके लेना है, और डायग्राम ड्रॉ करके जब हम लेते हैं तो इस क्वेश्चन को हल करना बहुत ही ईजी बात हो जाती है। तो देखना है हमें जैसे कि
अनिल जो है, अनिल क्या कर रहा है, 6 किलोमीटर वेस्ट को हम डायरेक्टली नोट पैड पे आएंगे और नोट पैड पे इसका क्वेश्चन का हल देखेंगे। चलो तो इसको मैं पहले कॉपी करके नोट पैड पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो देखेंगे, हमें इधर देखना है, सॉरी नोट पैड पे डायरेक्टली हम क्वेश्चन देखेंगे। अनिल हैज ट्रेवल्ड 6 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस। तो चलो देखेंगे, इधर अनिल का जो हाउस है कंसिडर करेंगे, इधर है वो 6 किलोमीटर वेस्ट को ट्रेवल किया है। 6 किलोमीटर, जब उसको 6 किलोमीटर जाने के बाद पता चला कि ये रॉन्ग वे है, तो वो क्या करा, 12 किलोमीटर वापस चलते चलते आया। ओके, ये कितना टोटल, कितना मतलब इधर भी 6 लिखेंगे, ये 6 12 हो जाएगा। तो आगे का है, आगे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, ट्रेवल डायरेक्शन इज अगेन ही टर्न एंड ट्रेवल 12 किलोमीटर टूवर्ड्स द वेस्ट। ओके, टर्न राइट, अनिल ट्रेवल्ड 8 किलोमीटर टू रीच हिज ऑफिस। ओके, राइट को जब वो टर्न करता है तो राइट को कितना 8 किलोमीटर चला जाता है, तो इसका इधर ऑफिस आ जाएगा, सही है। तो इस अनिल का जो होम था, ये होम इधर इधर है होम, तो इस तरीके इसके इसका क्वेश्चन निकालना है हमको, प्रॉपरली डायरेक्टली डायग्राम लेना है, ये 8 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर। तो उन्होंने क्या किया है, स्ट्रेट जो वे है ये स्ट्रेट वे पूछा है, तो स्ट्रेट वे कैसे निकालना है, इसका स्क्वेयर प्लस इसका स्क्वेयर, जो भी आएगा उसका स्क्वेयर निकालना है। तो 64, 8 का स्क्वेयर हो गया प्लस 36, 6 का स्क्वेयर हो गया, ये जो हो जाएगा वो होगा जैसे कि 100, और 100 किसका स्क्वेयर है, 10, तो 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर इज करेक्ट आंसर। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर है 10 किलोमीटर, समझ गए, इसका करेक्ट आंसर है डी। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाएंगे हम, और सॉरी, हाँ डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, यस, हाई देयर टू ऑल, एंड डी इज द करेक्ट आंसर। सो वील सी नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड मैक्स पीपल हैज गिवन वेरी नाइसली डी आंसर, सो वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। P and Q are brothers. Okay. Nice. All has given correct answer. Sorry. P and R are brothers. R and S are sisters. The son of P is brother of S. Q is related to R is. तो हमें इस क्वेश्चन को प्रॉपर से हल करना, मैक्सिमम क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसको नोटबुक के ऊपर लिख के सॉल्व करना है हमें। इसका करेक्ट आंसर आएगा, ये तो रिलेशन रिलेटेड क्वेश्चन है, तो क्या बोलते हैं, पी, ओके, पी एंड क्यू जो है वो ब्रदर है, आर एस जो है सिस्टर्स है, पी इज अ ब्रदर ऑफ एस, ये जो पी है ये एस का ब्रदर है, मतलब ये ऑल जो है ब्रदर ऑफ एस, द सन ऑफ पी इज अ ब्रदर ऑफ एस, द सन ऑफ पी is brother of S, Q is related to the R is uncle. Okay, good. And so uncle is correct answer C. P is the correct answer for this one. Okay. And Sandeh has, Rajan has given correct answer. Good. So we'll move to the next question. Uncle is correct answer because we have to directly relate this all questions with us only so that you can answer in a proper way. So we'll move to the next question, and uncle is the correct answer. Good. So we'll move to the next question. If the proposition is the kind of no men are honest is taken to be false, which of the following proposition or propositions can be claimed certainly to be true propositions? Right. So question ko proper tarike se padhna hai. Hame to humne dekha hai. किस तरीके से, जैसे कि ये प्रोपोजिशंस होते हैं, इनको किस तरीके से रीड किया जाता है और किस तरीके से इसके आंसर दिए जाते हैं, वो भी हमें, जैसे कि हमने तो देखा है लास्ट लेक्चर में। तो नो मेंस आर होनेस्ट, ऑल मेंस आर होनेस्ट, ओके, सम मेंस आर होनेस्ट, ये क्या कहा है, जो भी स्टेटमेंट दिया है ये स्टेटमेंट फॉल्स है, फॉल्स है, तो फॉल्स होने के बाद इसका आंसर किस तरीके से निकाला जाता है, ऑल मेंस आर होनेस्ट, सम मेंस आर होनेस्ट, सम मेंस आर नॉट होनेस्ट, नो मेंस, नो होनेस्ट पर्सन इज मैन।
इसका जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा. फर्स्ट ऑल मेन आर होनेस्ट. ओके, इन्होंने जो दिया है नो मेन आर होनेस्ट इज फॉल्स. करेक्ट, नो होनेस्ट पर्सन इज नो 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 फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर बिकॉज ऑल मेन्स आर होनेस्ट. वो जो दिया है नो मेन्स आर होनेस्ट इज टेकन टू बी ए फॉल्स, उसे हमें प्रॉपर से रीड करना है. सही है, तो इसको हमें क्वेश्चन को प्रॉपर से रीड करना बहुत ही जरूरी होती है. तो ऑल मेन्स आर होनेस्ट इज अ करेक्ट आंसर. ओके, सो विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड काइंड ऑफ नेक्स्ट पीपल हैज गिवन करेक्ट आंसर फॉर दिस वन. ओके, सम पीपल लाइक अर्पण एंड नवरता हैज गिवन टू और फोर सम आंसर, बट करेक्ट आंसर इज फर्स्ट. सो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, करेक्ट आंसर इज वन. रीड द क्वेश्चन. We'll directly read this question and we'll move to the board and we'll write this diagram directly. So you should also have a notebook to draw this diagram by reading this question. So a man started walking from his house toward the south. Okay. After walking 6 kilometers, he turned to the left. Okay. क्या कहते हैं कि a man started walking from his house towards south. After walking 6 kilometers, he turned east, west, south, north. Okay, he turned to the left, walked 5 kilometers, then he walked further 3 kilometers, and after turning left, he then turned to his left and continued his walking for 9 kilometers. How far is way of his house? Okay, तो इसका घर जो है, इसका जो house है, इसका distance उन्होंने पूछा है. तो प्रॉपर तरीके से इसका डिस्टेंस निकालो. प्रॉपर तरीके से डायग्राम हमें निकालना है. डायग्राम को हम जब इस क्वेश्चन को डायग्राम में हम लेते हैं तो इसका आंसर बहुत ही इजीली आ जाएगा. हम तो उसे देखेंगे डायग्राम में लेके. सही है, तो देखो किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं. Maximum people are kind of giving answer one or C something like that, but I will draw directly and I will try to solve the question's answer. So you can see a man started walking from his house towards south. Okay, walked 6 kilometer. तो हमें इधर point इसका house ये consider करना है. तो हम देखेंगे ये हुआ south. Okay, east ये consider करेंगे, west इसको consider करेंगे, इसको north consider करेंगे. ये 6 किलोमीटर साउथ को गया है. 6 किलोमीटर. ओके, सपोज 6 किलोमीटर साउथ को जाने के बाद टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर आफ्टर. ओके, 5 किलोमीटर जैसे कि लेफ्ट को गया है और लेफ्ट को जाने के बाद कितना 5 किलोमीटर गया है. ये हो गया 5 किलोमीटर. उसके बाद क्या क्वेश्चन है, then he walked further 3 kilometer after turning left. Okay, चलो देखेंगे. जैसे कि इधर से और ये क्या किया है, इधर 3 kilometer चलता आया है. Okay, 3 kilometer आने के बाद ये तो हाफ हो गया. Okay, देखेंगे हम उन्होंने और फिर कुछ तो स्टेटमेंट है. Then he turned to his left and continued walking 9 kilometer. Okay, तो हमें देखना है तो ये इधर से 3 kilometer जाने के बाद turn left and walked 9 kilometer. Okay, तो इसको हम consider करेंगे 9 kilometer. ये तो 5 था. Okay, तो 9 से ये ऑलरेडी डिस्टेंस उसने इस तरह गया है, हाउस इसका इधर है, तो ये इधर तक तो 5 किलोमीटर हो गया. ओके, 5 किलोमीटर मतलब इधर 4 किलोमीटर बचा है और ये 3 किलोमीटर है. तो ये डिस्टेंस उन्होंने पूछा है, कौन सा डिस्टेंस, चलो देखेंगे. हाउ फार ही इज अवे फ्रॉम हिज हाउस. ओके, तो देखना है हमें, जैसे कि ये 3 किलोमीटर हाफ तो इसने वापस आके चला है और ये तो देखना है इधर 4 किलोमीटर रह गया. तो 3 एंड 4, तो ये पाइथागोरस जो थ्योरम था हमें 4
स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी आता है 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर ही वॉक्ड. सो दिस इज करेक्ट आंसर. ओके सो करेक्ट आंसर इज सी 5 किलोमीटर ही वॉक्ड. ओके सो मैक्सिमम पीपल हैज गिवन करेक्ट आंसर फॉर दिस वन. 5 किलोमीटर इज करेक्ट आंसर. ओके सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. गुड नाइसली पीपल हैज गिवन आंसर एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. करेक्ट आंसर इज सी 5 किलोमीटर. सो देखो वन राइट्स ऑल नंबर्स फ्रॉम 50 टू 99 विदाउट द डिजिट 2 एंड 7 हाउ मेनी नंबर्स हैव बीन रिटन. तो इसको हमें देखना है प्रॉपर तरीके से कि 2 और 7 ये नंबर किसमें आते नहीं है 50 टू 99 के बीच में. तो इसका आंसर होगा 32 टाइम जो कि 32 डिफरेंट नंबर्स होंगे उसमें 2 और 7 नहीं आएगा. तो इसका आंसर करेक्ट होगा वो ए रहेगा. तो ये तो हमें पता चलना चाहिए. ओके तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाएंगे हम. 32 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन. सो यू कैन सी सेवंथ क्वेश्चन इज इफ ए लार्ज डायमंड इज कट अप इनटू ए लिटिल बिट्स. ओके इट विल लूज इट्स वैल्यू जस्ट एज आर्मी इज डिवाइडेड अप इनटू ए स्मॉल यूनिट ऑफ सोल्जर्स. इट लूजेस इट्स स्ट्रेंथ. द आर्ग्यूमेंट पुट अबव मे बी कॉल्ड एज एनालॉजिकल डिडक्टिव statistical and casual. Yes, good. Seventh Swami Pooja has given answer is 7th A. Correct. Raman also has given. Good. And correct answer is A. So we'll move to the next question because it is an analogical statement. So correct answer is A. Okay, so good. We'll move to the next question. Given below are some characteristics of logical argument. Select the code which express a characteristics which is not inductive in characteristics. Okay, so dekho, read karna hai hamein. The conclusion is claimed to follow from its premises. Conclusion is based on a causal relations. No, the conclusion conclusively follow from its premises. The conclusion is based on observation and experiments. तो 8 सी स्वामी पूजा हैज गिवन सी आंसर बट वी विल सी व्हिच वन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. तो देखना है हमें डिस्कस करना है कि कंक्लूजन इज क्लेम टू फॉलो फ्रॉम इट्स प्रीमाइसेस ये हो सकता है. कंक्लूजन इज बेस्ड ऑन कैजुअल रिलेशन ये नहीं हो सकता है. द कंक्लूजन कंक्लूसिवली फॉलोज फ्रॉम इट्स प्रीमाइसेस ये हो सकता है. द कंक्लूजन इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट. तो देखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. सी कंक्लूजन इज कंक्लूसिवली फॉलो फ्रॉम इट्स प्रीमाइसेस. तो प्रीमाइसेस आर मोस्ट इम्पोर्टेंट. जैसे कि राजन ने करेक्ट आंसर दिया है रमन. ओके सो सी इज अ करेक्ट आंसर बिकॉज कंक्लूजन्स आर रियली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स बट प्रीमाइसेस आर मोस्ट इम्पोर्टेंट. प्रीमाइसेस विल बी काइंड ऑफ एक्सप्लेन्ड हियर. सो विल सी next question we'll go for and some people has given correct answer and some has little bit going through the logical question but premises are most important thing in conclusion. Whenever we are conclusive they have given like logical inductive characterizations. Okay so that we have to read inductive in characterization not of inductive in character. That sentence we should read. So we'll move to the next question. The next term in the series A, B, E, D, I, H and M, N and dash is. तो इसको मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि आपके पास जैसे कि A, B, C, D जो character है all वो लिख के है आपके पास तो बहुत ही easy हो जाता है. proper तरीके से आप इसको solve कर सकते हैं. तो A, B, E, D, I, H, M, N ये जो बस distance का फर्क होता है. हाँ ये डिस्टेंस का फर्क होता है तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए टी एस. मैंने इसका सॉल्व करके देखा था तो आपको ए बी सी डी वो जो लेटर्स है वो लेटर्स लिखने पड़ेंगे. हाँ करेक्ट. तो रमन हैज गिवन गुड आंसर. 9th इज ए. सो गुड विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ए इज अ करेक्ट आंसर हियर. सो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये भी क्वेश्चन
अल्फाबेट्स जो है अल्फाबेट्स रिलेटेड है. द स्ट्रीमर्स इज कोडेड एज UVTGALDQR, देन द नॉलेज विल बी कोडेड एज. जिस तरीके से हमने वो लेटर्स लिख के रखे हैं उस लेटर्स को जैसे कि प्रॉपर तरीके से उसको लिख के लेना है उसके नीचे और कोरिलेट करे तो आपको इसका आंसर समझ में आएगा. तो कोरिलेट किस तरीके से करना है, जिस तरीके से आपने पहले वाला आंसर सॉल्व किया है नाइन्थ वाला, उस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमें सॉल्व करना है. तो चलो हम सॉल्व तो नहीं करेंगे और इसका आंसर आपको बता दूंगा, आप सॉल्व करो इसको. और जैसे कि रुका दो वीडियो कुछ सेकंड्स के लिए, सॉल्व करो इसे और इसका आंसर जो रहेगा करेक्ट रहेगा बी इज नॉलेज विल बी कोडेड एज MPQYLDCFD. ओके, तो आपको मैंने सॉल्व करने के लिए टाइम देना चाहिए था, मगर इसका करेक्ट अपना टाइम अपने टाइम के हिसाब से सपोज थिंक करें तो हमें टाइम नहीं है. गुड, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे हम. हाँ, बी इज ए टेंथ इज बी, गुड. सो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है रिलेशन जो होते हैं वो रिलेशंस को लेके ये क्वेश्चन है. ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, बी इज अ ब्रदर ऑफ सी, इट मीन्स दैट ए बी सी आर ब्रदर्स. C is the husband of D. E is the father of A. Then D is a related of. तो चलो प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को रीड करो, मैं आपके लिए वेट करूंगा और इसका आंसर आपको देखना है. जैसे कि A, B, C are brother to each other. C is husband of D. Okay, D. And E is the father of A. मतलब E जो है A, B, C के फादर है. तो उन्होंने ये पूछा है, सॉरी इन्होंने ये पूछा है कि D इज रिलेटेड टू E इज डॉटर इन लॉ, करेक्ट, डॉटर इन लॉ होगी वो. तो ये B, C आर ब्रदर्स, ये और C इज अ हस्बैंड ऑफ D एंड E इज अ फादर ऑफ A. 11 नॉट, हाँ यस, गुड, डॉटर इन लॉ, गुड. सो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Two numbers are in the ratio of 3:5. Okay, if 9 is subtracted from the numbers, the ratio becomes 12:23. The numbers are, we have to solve and we have to give the answer for this one. These all are just straightforward questions and can be solved by each and every student. Can solve these questions. So just we have to kind of calculate the ratio. So, इन्होंने जो दिया है ये जस्ट 3:5 के रेशियो है, मगर इन सब में से 9 रिमूव करने के बाद कौन से जोड़ी का नंबर और कौन से जोड़ी का रेशियो 12:23 बनता है ये हमें ढूंढना है. तो 12 का आंसर है यस, रमन नैना हैज गिवन लाइक आंसर इज बी. विल सी व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, यू हैव टू सॉल्व इट. आई विल नॉट सॉल्व हियर बिकॉज we have to go to the board and we have to calculate each and everything. I have solved already this question, but correct answer is C. So you solve even kind of each and every option you have to solve, then only you will get it the ratio of this by subtracting 9 from the numbers, right? So if you kind of subtract 9 and then calculate the ratio, then you will get it. Okay, so good. We'll move to the next question. Some people has given B answer, but B is not. 3355. C is the correct answer. Good. We have to solve it first of all. Actually, Raman Naina has answered like he has questioned that how it is. So you check once that you know all these are 3:5. Okay. This is 3:5. This is 3:5. This is 3:5. This is 3:5. You reduce 9 from each number and write here and then calculate and then see which number, which couple has 12:23 ratio, and then that will be the correct answer, and which is C. So good. So we'll move to the next question. Dekho, ye hai age related question hai ye. The mean of age of father and his son is 27. Okay. After 18th year, father will be twice as old as his son.
the present age are. Okay. The mean of age of father and his son is 27. After 18th year, father will be twice as old as his son. Okay. तो इधर प्रॉपर से देख लेना है हमें कि आफ्टर 18th ईयर फादर का जो एज होगा वो डबल होगा, और डबल किस तरीके से होगा, हाँ वो तो मैं बता दूंगा 13 को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है. द मीन ऑफ एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 27. 27 मींस लाइक 54 will be there, and after 18th year father will be twice. तो 18th year देखना है इधर. 18th मतलब इसको 18th हर इसमें 18th add करना है. अभी 42 में 18th add करके देखना है, 12 में 18th add करना है. 12 में 18 करे तो 30 हो जाएगा, इसमें 18 करे तो 60 हो जाएगा, इसमें 18 करे तो 58 हो जाएगा, इसमें 18 करे तो. तो इस तरीके से देखना है. ये जो एज दिया है उन्होंने, प्रेजेंट एज दिया है, तो प्रेजेंट एज देखने के बाद यस करेक्ट आंसर्स आर कमिंग नाउ, सो यू हैव टू चेक इट वंस. सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आई गेस ऑल पीपल अंडरस्टूड दिस वन बिकॉज़ दिस जस्ट प्रेजेंट एज इज गिवन हियर एंड वी हैव टू ऐड 18. गुड, वी विल मूव टू द करेक्ट आंसर इज ए. नाउ यू गॉट हाउ टू काइंड ऑफ गो टू द करेक्ट क्वेश्चन. So we'll go for next question. In a certain code, Galib is represented as HBMJC, and then Tiger will be represented by. ये just alphabetics के questions है. Alphabetics हमें पहले लिख के लेना है और उस तरीके से question को हल करना है. तो इसका मैं directly आपको answer बता दूंगा, फिर भी मैं wait करूंगा आपके answer की, और सो आप इसको आंसर कर सके. कैलकुलेशन करना हो तो आपको इस तरीके से जाना पड़ेगा, अल्फाबेट्स लिख के लेने पड़ेंगे, और अल्फाबेट सपोज आप लिख के लेते हैं तो बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. फोर्टीन का करेक्ट जो आंसर रहेगा, स्लो से क्वेश्चन कभी भी, और जो हम कोरिलेशन करते हैं तो कोरिलेशन में गलती नहीं करनी है. जब आप गलती करते हो तो मतलब 100% इसका आंसर करेक्टली मतलब रॉन्ग करके आ जाएंगे, मगर गलती ना करके आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर प्रॉपर तरीके से आप दे सकते हैं. तो चलो मैं करेक्ट आंसर बताऊंगा आपको, देखो एक बार प्रॉपर से क्या आंसर होगा. ए इज अ करेक्ट आंसर, एंड मैक्स पीपल हैज गिवन ए इज करेक्ट आंसर. सम पीपल लाइक राजन एंड Mansura has given B or something answer, but A is correct answer because you properly correlate, then you will understand. Okay, so good. We'll move to the next question. The missing number in the series is 40, 120, 60, 180, 90, question mark, and 135 is. Good. Max people has given correct answer for 15th number question. So you can see this question, and kind of this is just straightforward question. 40 into 3, 120. 16 into 3, 180. 19 into 3 is 270. And question mark will be filled by 270 number. So correct answer is B. Rajkumar Kedar has given B answer. So I'll see. How many of will kind of correct answer they will give? It's just multiplication of 15th will not come A, okay, but still 270 will be the correct answer. Okay, you can see here, just 40 is given, 14 to 3 120, 16 to 3 180, 90 into 3 270. Okay, so we'll move to the next question. The mean of four number A, B, C, D is 100. Okay, 100. It means total will be 400. It is a mean. So if C is 70, then the mean of remaining is 400. Say 70 nikal diye, to
330 रहेगा, तो मीन कितना आएगा, तीनों का बचे हुए तीनों का मीन जो आएगा वो 110 रहेगा। सो यू कैन चेक करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। द मीन ऑफ फोर नंबर्स इज 100। 100 मीन्स चारों का मिला दिए तो 400 बनेगा, और चारों में से 70 निकाल दिए तो 330 रहेगा। तो जो रहा है उनमें से तीनों का मीन पूछा है, 330 बचता है, तो 110 इज करेक्ट आंसर। गुड, करेक्ट आंसर इज डी। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विद द सीरीज ऑफ आवर टूडेज लॉजिकल रीजनिंग। कैन सी ए स्टेटमेंट सम मेंस आर होनेस्ट इज फॉल्स। ओके, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। गुड, लास्ट क्वेश्चन आंसर बाय गिवन करेक्ट बाय ऑल पीपल। सो यू कैन सी सम मेंस आर होनेस्ट इज फॉल्स। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू। चूज द करेक्ट कोड गिवन बिलो इज ऑल मेंस आर होनेस्ट, नो मेंस आर होनेस्ट, सम मेंस आर नॉट होनेस्ट एंड ऑल मेंस आर डिसहोनेस्ट। Some men are honest is false. Some are honest is false. Then all are honest. No men are honest. ये तो आ नहीं सकता क्योंकि दिया है some men are honest. It means no men are honest. ये आ नहीं सकता है। तो some men are not honest. All men are dishonest. ये भी आ सकता है। तो इसका correct answer जो रहेगा first, third and fourth रहेगा। Okay. फर्स्ट सेकंड नहीं आएगा, नो मेंस आर होनेस्ट आएगा नहीं, क्योंकि इन्होंने इधर दिया है सम मेंस आर होनेस्ट इज फॉल्स। सेकंड विल बी करेक्ट आंसर बिकॉज फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ यू कैन सी ऑल, हाँ, ऑल मेंस आर नॉट होनेस्ट, नो मेंस आर होनेस्ट, सम मेंस आर नॉट होनेस्ट, ऑल मेंस आर डिसहोनेस्ट। तो हाँ, सेकंड थर्ड फोर्थ आएगा करेक्ट। एक बार प्रॉपर तरीके से देख लीजिए उसको, ऑल मेंस आर होनेस्ट ये आ नहीं सकता क्योंकि इधर यही दिया है कि सब मेंस आर होनेस्ट। ओके, तो चलो बी इज करेक्ट आंसर बिकॉज सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन। सो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम ए अजीत वॉक्स 14 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट। इसको हमें डायग्राम बना के लेना है और डायग्राम को सॉल्व करना है। स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए अजीत वॉक्स 14 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट। ही देन टर्न्स टू राइट एंड वॉक्स 14 मीटर्स 14 meters, sorry, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे डायरेक्टली बोर्ड के ऊपर। Ajit walks 14 meter towards west, then he turns to right and walks 14 meter and then turns to his left and walk 10 meter. He again turns to his left and walk 14 meter and reaches to the point E, and the shortest distance between A and E is. It is not just a addition of all, but it is just kind of a solving, kind of we have to solve in a proper way. So I will go to the board and I will solve it. Okay. So okay, you consider here. इट इज ए पॉइंट यार वेस्ट, ये हम जैसे कि ये वेस्ट कंसिडर करेंगे और इसको ईस्ट कंसिडर करेंगे। ये क्या कहा है उन्होंने कि 14 मीटर तक चला है, 14 मीटर होने के बाद क्या कहा है उन्होंने 14 मीटर एंड देन टर्न टू राइट एंड वॉक्स 14 मीटर। ओके, तो कंसिडर करेंगे ये वेस्ट था, इसका जो राइट रहेगा ये रहेगा 14 मीटर। ओके, देन ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड then he walked, turned to the left and walked 10 meter. Okay, so you check it here. He then again walked here 10 meter. Then what they said is they again he turned to the left and he walked 14 meter. तो ये जो E point को पूछा है,
ये x पॉइंट था, तो x पॉइंट से e कितना रहेगा, ये 14 और ये 10, ओके, क्योंकि ये 10 डिस्टेंस है, 10 प्लस इज इक्वल टू 24 इज अ करेक्ट आंसर, ओके, डी इज अ करेक्ट आंसर. व्हाई? बिकॉज वी हैव टू गो थ्रू द शॉर्टेस्ट वे, दे हैव गिवन हियर, यू नो, वी हैव टू कैलकुलेट द आंसर वाया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ई, ओके, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है. तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे और इसका करेक्ट आंसर इज डी. सो गुड, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग अराउंड द टेबल. ए इज बिटवीन ई एंड एफ, ए एंड ई इज अपोजिट टू डी and D to C, and C is not in either of the neighboring seat of E. The person opposite to B is. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे हमें प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना चाहिए. तो चलो मैं बोर्ड के ऊपर जाके इसको सॉल्व करूंगा. इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही क्वेश्चन टाइम जाता है, फिर भी हम इसको सॉल्व करना है, क्योंकि अभी सॉल्व करने के बाद प्रैक्टिस हो जाती है. सपोज कंसिडर दिस इज ए टेबल, और जैसे कि दिस आर द सिक्स पीपल आर सिटिंग ऑन द टेबल. विल सी व्हाट इज द स्टेटमेंट. ए इज बिटवीन ई एंड एफ, ई एंड एफ, सो इधर कंसिडर करेंगे हम ए. तो ए क्या है, ई एंड एफ के बीच में बैठा है, ओके. तो आगे क्या टेस्ट स्टेटमेंट है देखेंगे हम. E और F, E is opposite to D, and okay, E is opposite to D. तो इधर D लिखना है हमें, क्योंकि E के opposite तो D रहेगा. तो चलो next question क्या है, next statement क्या है. C is not in either of neighboring seat of E. तो देखना है हमें, sorry, जो statement है, ये statement क्या है कि C E के बाजू में नहीं है, okay. तो C जो है वो E के बाजू में नहीं है. अभी ये E के बाजू में बस एक पोजीशन है, वो A है इधर. तो C तो इधर नहीं रहेगा, C इधर रहेगा. तो C इधर लिखने के बाद जो बचता है वो बचता है B. तो उन्होंने क्या पूछा है, क्वेश्चन इज द B पर्सन, द पर्सन अपोजिट टू B इज, द पर्सन अपोजिट टू B इज F. गुड, तो ये करेक्ट आंसर रहेगा, F is correct answer. So D is a correct answer. Good. Max people has given correct answer for this one. So we'll move to the next question. Sonali Bamne, A cannot be the answer. You check. I have explained in a proper way. And this will, F will be the correct answer. Good. We'll move to the next question. The missing term in the series is 2, 7, 24, 77, question mark 723. इसको किस तरीके से हल किया जा सकता है, इसको तो आप ही सॉल्व करना है, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मगर इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूंगा. 2, 7, 24, 77 क्वेश्चन मार्क 723. चलो जल्दी जल्दी हमें इसको सॉल्व करना है. इसका जो आंसर रहेगा, गुड, एफ इज करेक्ट आंसर, बट 20, यस, वन, जैसे कि रामन हैज गिवन करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, बिकॉज इट कम्स 238. नाउ हाउ इट विल कमिंग, हाउ इट इज कमिंग, दैट ट्राई टू फाइंड आउट, आई विल टेल यू हाउ इट इज. How that answer is coming like 238. is correct answer. Good. Some people has given correct answer for this one. And how it is coming, I will see. Just say, I'll check once here. 2 into 3 plus 1, 7. Okay. Chalo, main directly idhar hi
मतलब एक्सप्लेन ही करेंगे हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर अपने। ओके तो जो आपने नंबर है ये पूरे नंबर लेके लिख के लेंगे, टू है, सेवन है, 24 है, 77 है और इधर क्वेश्चन मार्क 723। तो ये जो है 2 × 3 + 1 7 आएगा, इसको भी वैसे ही करना है, इंटू 3 + 3 कितना आएगा, 7 × 3 24, इसको भी 3 + जितना भी आएगा उसमें +5 करना है, इसको भी × 3 + 7 करना है, ये जितना भी आएगा 238 आएगा। तो ये जो है 1, 2, 3, 5 ये जो सीरीज है ये सीरीज हमें आगे लेके जाना है, ये जितना भी आएगा 238 × 3 + 9 कर देना, आगे का आ जाएगा। सही है, तो मैं ये सोचता हूँ कि सबको समझ में आया होगा। यस गुड, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाएंगे हम। तो इसका आंसर करेक्ट रहेगा वो 238 रहेगा, तो सबको समझ में आया होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे हम। तो इसका करेक्ट आंसर इज ए, ए पर्सन राइट्स ऑल द नंबर्स फ्रॉम 0 to 99 द नंबर ऑफ टाइम्स डिजिट 3 विल बी रिटन एज, ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। करेक्ट आंसर इसका मैं बता दूंगा, इसका करेक्ट आंसर है 20। ओके तो आप प्रॉपर से कैलकुलेट करके देखें तो आपको समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाएंगे। ए सर्टन कोड हेल्थ इज रिटन एज ए HDOWK, द कोड ऑफ नॉर्थ विल बी रिटन एज, तो आप इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये लेटर जो है अपने अल्फाबेट्स को लेके हमें इसको हल करना है, इसको सॉल्व करना है, तो आपको इजी से समझ में आएगा। हेल्थ इज इक्वल टू लिख के ले लो, लिख के जब आप जैसे कि रिटर्न लेते हैं इसको तो प्रॉपर तरीके से समझ में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बोल दूंगा, आप फिर इसको सॉल्व करो। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन, बिकॉज नॉर्थ को जो है इन दोनों का जो भी रिलेशन होगा इस रिलेशन के हिसाब से नॉर्थ का हमें आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डिडक्टिव आर्गुमेंट कैन नॉट बी वैलिड। ओके, डिडक्टिव आर्गुमेंट कैन नॉट बी वैलिड इफ इट्स प्रीमाइसेस इज आर ट्रू और इट्स कंक्लूजन इज ट्रू। इफ द प्रीमाइसेस इज आर ट्रू और इट्स कंक्लूजन इज फॉल्स, इट इज ए प्रीमाइसेस। इफ इट्स प्रीमाइसेस एंड प्रीमाइसेस इज आर फॉल्स, इट्स कंक्लूजन and its conclusion is false. If its premises is are false and its conclusion is true, इसका correct answer आपको देखना पड़ेगा। premises last, premises conclusion जो पूरा discussion हुआ था हमारा जो last lecture में हुआ था उसके हिसाब से ये question है। तो deductive argument किस हिसाब से होता है, तो if the premises are true and its conclusion is false. Okay, तो इसको बोलते हैं deductive argument. Premises are false. No, premises तो true होते हैं, conclusion false होता है, उसको बोलते हैं deductive argument. तो चलो next question को जाएंगे हम। The analogical argument is strengthened by making the claim bolder while its premises remains unchanged. Reducing the claim made on the basis of premises FM, the remaining the claim unchanged while the advance in its support is found to exhibit greater frailty. Okay, none of the above. So, देखना analogical argument जो होते हैं, जो strengthened किस तरीके से होते हैं? 23, okay, 24. See, okay, we'll see correct answer for this one. This also we have last time discussed. So we'll see B, deducing or reducing the claim made on the basis of premised FM. Okay, so proper तरीके से देखो और तो analogical argument किस तरीके से strength होता है. Okay, so
जैसे गुड मैक्स पीपल आर लाइक काइंड ऑफ सॉल्विंग गुड आंसर्स, बट नाउ टुडे वी विल स्टॉप हियर एंड विल मीट टू द नेक्स्ट अल्टरनेटिव डे एंड विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चंस. एक्चुअली वी हैव टू सॉल्व काइंड ऑफ ऑल 100 क्वेश्चंस, बट बिकॉज ऑफ सम कैलकुलेशंस एंड ऑल वी कैनॉट सॉल्व ऑल क्वेश्चंस वेरी फास्टली, बट वी हैव टू ट्राई टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस. बट देन आई हैव टू से थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. यू कैन सी वी हैव मेनी क्वेश्चंस आगे लाइक नेक्स्ट ऑल्सो वी हैव टू सॉल्व टोटल 100 क्वेश्चंस. सो थैंक यू टू ऑल एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी एंड आस्क टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू काइंड ऑफ subscribe the channel and share the video, and if you like our content, like the video. First of all of you, please like the video and share our video. Thank you and good night to all, and bye.